महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कम्बा यंत्र को बेहद अहम माना जाता है। कई पुराणों में इस यंत्र की पूजा का विधान बताया गया है। आइए देखते हैं कम्बा यंत्र की पूजा विधि। महालक्ष्मी के जिस रूप की सबसे बड़ी आभा है वो है देवी कमला। देवी कमला की आराधना से आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। ये वो देवी है जो देवताओं की रक्षा के लिए आई थी। देवी कमला देवी के 10 रूपों में से एक है। कमला यंत्र के पूजन में मंत्रों का खास ख्याल रखना है। यंत्र के पूजन के समय आप इस मंत्र का जाप करें। दीपावली के दिन सिंह लगन में रात्रि 2 बजे के मध्य आप कमला यंत्र को पूजन करें और कमला यंत्र के सम्मुख इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आप लिख लें, ओम रिं सिं रिं कमले कमलालय प्रसीदः प्रसीदः रिं श्रिं रिं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का एक माला आप फेर लीजिए इस प्रतीक की माला से और सामने कमला यंत्र स्थापित कर लीजिए। निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी और आपका धन धान्य से भंडार भरा हुआ रहेगा। आपका सेब कभी खाली नहीं होगा। रुपयों की आवक इतनी बढ़ जाएगी कि उसे इकट्ठा करना भारी हो जाएगा। दीपावली के त्योहार पर आपकी झोली में धन बरसे इसके लिए आपको देवी लक्ष्मी की आराधना की तैयारी करनी होगी। यंत्रों में छुपी शक्ति से आप पा सकते हैं जीवन में धन और वैभव का आशीष। सिंध की सवारी डिजिटल किनारे।